हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगिताज ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने भी रेडी सेडी होके खड़ी हुई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ऐसे ऐसे रेडी हुई हूँ और क्यों इतना चूड़ी वूड़ी सब पहनी हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आज है सावित्री व्रत का पूजा है, व्रत है हमारा। तो हम आज व्रत करने वाले हैं, सब जितने भी लेडीज़ यहाँ के सब हैं। तो अपने हस्बैंड्स के लिए, लंबी उम्र के लिए मतलब व्रत करेंगे। तो आज अभी ना फ्रेंड्स 6:30 बजे हुए हैं, 6:30। तो आज ना पूजा मतलब वो सूर्य प्रयाग लगने वाला है, तो पूजा जल्दी ख़त्म करनी है 10:30 के अंदर। तो हम ना इसीलिए जल्दी रेडी हो गए हैं, मतलब जल्दी पूजा करना है, जल्दी फिनिश कर देना है पूजा। तो इसीलिए मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर लूँ सोची, थोड़ा वीडियो बना लूँ सोची, फिर ना कभी बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, फिर बिज़ी हो जाऊँगी, तो इसलिए आपसे थोड़ा बात करनी सोची। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी मेरी वीडियो को न्यू देख रहे हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और जो लोग न्यू जुड़े हो मेरे चैनल में, आज कल परसों जितने भी दिन मेरे भी न्यू सब्सक्राइबर बने हुए हो, मैं उन्हें वेलकम कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, और बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज चलिए पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं मैं थोड़ा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए एंड तक देखिए वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बता दीजिएगा। देखिए कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिख के बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पे बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा मतलब बैठी हूँ, पूजा का थोड़ा सामान सेट कर लिए और थोड़ा सामान सेट करना है, तो मैं थोड़ा बैठी हूँ इधर। तो आप लोग भी पूजा कर रही हो कि नहीं फ्रेंड्स? जो लोग लेडीज़ होंगे मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, व्यूअर्स मेरे, कर रहे हो कि नहीं पूजा? कैसे कर रहे हो मुझे कमेंट में लिख के बताना। पूजा की विधि तो आज नहीं दिखा सकती, क्योंकि आज नॉर्मली ऐसे ही पूजा कर रहे हैं हम, कुछ सामान नहीं है आज ज़्यादा कुछ, तो मिल भी नहीं रहा है ज़्यादा कुछ सामान, तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल वैसे कर रहे हैं जैसे हर दिन पूजा करते हैं, बस थोड़ा चेंजेस है। तो आप लोग कैसे कर रहे हो फ्रेंड्स लॉकडाउन में अपना व्रत, तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैं मेहंदी भी नहीं लगाई है, अभी मैं आलता लगाऊंगी। और अभी मैं आलता लगाऊंगी तो चलो आपको दिखा देती हूँ मैं आलता लगाती हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, अभी तक ना हमने पूजा नहीं की है, सब कुछ सेट कर लिए, खाली माँ गए हुए नहाने, तो माँ के नहाने की आने के बाद हम पूजा स्टार्ट कर लेंगे। तो थोड़ा मैं इसलिए बैठी हूँ, मेरी बेटी तो आराम से मस्त सो रही है, और वो सो रही है बोल के मैं आराम से देखो इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। और मेरा सब कुछ हो चुका है फ्रेंड्स रेडी, खाली माँ आएंगे, फिर हम लोग पूजा करेंगे, फिर इन लोग मेरे हस्बैंड और बाबा नहाएंगे, और फिर ना उनको हम पूजा करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने पूजा कर ली कि नहीं अभी तक फ्रेंड्स, मुझे बताना श्योर। और क्या फ्रेंड्स, चलो आज फास्टिंग है तो थोड़ा मतलब हस्बैंड लोग को अपना सेवा वेवा करवाओ आज। और चलिए मैं जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मतलब रेडी हो गए हैं, अभी हम पूजा स्टार्ट कर लेंगे। और बाकी अभी माँ रेडी होने गई हैं, नहा के आ चुकी है, वो कुछ सिंदूर लगाने गई है, मैं उनको आलता लगा दी, मैंने भी खुद से लगा ली है, आपको दिखाई जैसे कि। और फिर हम अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूजा करेंगे। तो चलिए मैं पूजा करने के बाद आपके साथ मिलती हूँ, तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, चलो। फ्रेंड्स, मेरी साड़ी आज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिख के बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताना। और फ्रेंड्स, क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर से तो कुछ भी सामान नहीं आ पाया,
तो ये साड़ी ना पिछली बार मेरे भैया भाई जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है फॉरेस्ट का भुवनेश्वर में, वो आया था पिछली बार जब मैं गई थी घर में, तो वो ये साड़ी मेरे लिए लाया था। तो ये मैं लेके आई थी, अब ये मैं पहनी नहीं थी कभी भी अभी, जब से लाया है तब से, तो नया करके था तो मैं घर का ही ये साड़ी तो यही पहन ली मैं। तो यही मेरा साड़ी है सावित्री का। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स मुझे, और मेरे को कैसा लग जच रहा है कि नहीं, ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। पूजा ना ख़त्म हो गया है, अभी हम थोड़ा छत पे आए हैं घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा मस्त हवा चल रही है फ्रेंड्स पूरा, मतलब आज का मौसम तो बेस्ट है पूरा। कभी सावित्री बना ऐसा वाला मौसम नहीं किया है मेरे जानते तो, बहुत धूप करता है फ्रेंड्स, बहुत पसीना छूटता है, बट आज का फ्रेंड मौसम है ना पूरा मस्त किया रखा रखा है। तो हम दोनों थोड़ा आए थे ऊपर थोड़ा फ़ोटो उठाने के लिए। तो पूजा मेरा ख़त्म हो गया है, और आप लोगों का पूजा हुआ कि नहीं अभी तक, 10 बजने वाला है फ्रेंड्स, 10 बजे के अंदर ख़त्म होना चाहिए, तो हमारा पूजा ख़त्म हो गया है। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो में और एक सरप्राइज़ है, वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी एंड तक, वीडियो देखिए, कुछ आज कुछ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो वीडियो पे फ्रेंड्स बने रहिए, बिना स्किप किए ना वीडियो देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि आज आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो एक्चुअली आप लोगों के लिए सरप्राइज़ नहीं है वो एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज़ था, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किए रखे थे। और एक्चुअली आज व्रत है ना, तो आज तो कुछ हस्बैंड लोग गिफ्ट देते हैं, जो भी कुछ भी दो, कुछ भी दे, छोटा मोटा कुछ भी गिफ्ट करते हैं अपनी वाइफ्स को। तो इस बार ना फ्रेंड्स लॉकडाउन के लिए मैं ये भी मेरे लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की, तो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदे, कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए, मैं भी उन्हें कुछ नहीं दी। तो मैं सोच रही थी एक उनके से सुबह में बोली थी उनको कि आपने मेरे लिए इस बार ही ना कुछ नहीं दिया मेरे को, तो इससे लिए ना फ्रेंड्स मुझे बोले कि तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है और बाद में बताऊंगा, ऐसा बोले। तो मुझे उस टाइम ही लग गया था कि और मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है, मतलब कुछ शॉपिंग किए होंगे मेरे लिए, या फिर कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लाए होंगे, इसलिए मुझे ऐसा सरप्राइज़ है बोल रहे हैं। तो ठीक है बोली मैं, हाँ ठीक है, सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने देते हैं, ठीक है, मज़ा आता है ना। और मुझे तो एक आधे सेकंड के आधे घंटे के बाद ही वो चीज़ मिल जाएगी, तो मैं हड़बड़ी नहीं कि ठीक है चलो सरप्राइज़ बाद में बता देना। फिर उनको मैं पूजा वूजा कर ली, तो अभी वो बोले मुझे कि जाके ना मिक्की के रूम में देख ले, मतलब मेरे देवर जी के रूम में थोड़ा जाके मेरी पेंट ला दी, और मैं पेंट छूट गया है वहाँ पर। मैं बोली आपके पेंट कभी वहाँ छूटता नहीं, तो कैसे बोल रहे हो यार आप, चलो छोड़ो मैं जाके दिखती हूँ क्या लाया हो मेरे लिए, बोल दी। फिर वो हंसे, फिर मैं रूम में आ गई, फ्रेंड्स एंटर कर ली। तो फ्रेंड्स मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे लिए कुछ रखे थे रूम में, मैं बहुत खुश हो गई फ्रेंड्स, देखिए इतना खुश है कि बोलो मत, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाए वहाँ इतना खुश नहीं लगता है फ्रेंड्स, इतना छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत खुशी मिलती है, तो वो खुशी ना मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए आप लोग कि मेरे हर में लिए क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है चलिए। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं, और फ्रेंड्स और एक बात है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए साड़ी भी लेके आए थे और मैं ये साड़ी पहनी हूँ। और ये साड़ी भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के श्योर बताना, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, मुझे सूट कर रहा है कि नहीं ये बताना। आपने देखा अगर सुबह की वीडियोस में मैं ना दूसरा अलग अलग कलर का पिंक कलर का साड़ी पहनी थी, और मेरे भैया ना मेरे को गिफ्ट किया था, और वह मेरी मम्मी के घर से आया बोल के मैं वो ये सावित्री का साड़ी कर दी, और ये साड़ी मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैं पूजा ख़त्म करके ना उनका साड़ी पहन ली, ये आज वो लाए थे तो उनके साड़ी भी मुझे पहनना चाहिए, तो मैं उनके साड़ी भी पहन ली है। तो मुझे कैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताना कमेंट में लिख के,
ये साड़ी भी है वो साड़ी भी, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे श्योर बताना। तो आप लोगों में दिखा देती हूँ बिना लेट किए हुए मैंने क्या क्या लाया मेरे लिए। चलो तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए ड्रेस पीस लाए हुए हैं मेरे हस्बैंड, येलो कलर, येलो और ब्लैक कलर का। और ये है उसका पेंट, मतलब पेंट कपड़ा है फ्रेंड्स, पीस है, उन्हें बहुत पसंद है, मतलब पीस लाते हैं जब भी मेरे ले लाते हैं ऐसे सलवार पीस लाते हैं। तो और ये है उसका दुपट्टा फ्रेंड्स, दुपट्टा ना मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छा लग रहा लगा मेरे को यह दुपट्टा। उल्टा पकड़ी, ये है देखिए, ये है दुपट्टा इसका। और जल्दी मैं इसके बनाने वाली हूँ और बनाने के बाद फिर ना पहन के आपके सामने आऊँगी और आप लोग मेरे को बताना कैसा लगी, मैं कैसे लगी। तो यह है उसका सलवार फ्रेंड, मतलब ड्रेस है, कुर्ती है इसका, तो कुछ इस तरह से है देखिए। ये इसका गला है, मैं उल्टा पकड़ लिया है, ये इसका गला है और ये है इसका फ्रंट साइड, ये डिज़ाइन है। और इसका हाथ में फ्रेंड्स ये वाला डिज़ाइन हुआ हुआ मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, ये ना सिलवाने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका फ़ोटो ना था, मतलब हाँ मोबाइल में था, मुझे अभी दिखाए कि इस तरह से सिलाना को अच्छा लगेगा बोल के, तो बहुत बहुत प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। और जब भी मैं इसको सिलाऊँगी ना आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये मैं रख देती हूँ पहले, तो कुछ इस तरह से मैं ड्रेस पीस है। और ये मेरे लिए एक ये एक टॉप लेके आए हैं, उल्टा है एक्चुअली मैं देख चुकी हूँ ना, अभी देखी थी मैं और इसीलिए मैं सपना उल्टा उल्टा करके रख दी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है मेरा ये वाला टॉप। और ये नीचे में ये पॉजल में ना फ्रेंड्स, ये ना अप एंड डाउन है, ये पीछे वाला डाउन है ये अप है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। मैं पहनी थी अभी, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ये है एक ऑनियन कलर का है, ये वाइट कलर का एक टॉप भी है। और भी सब उसके इसके पैंट्स भी ना मेरे लिए शॉपिंग किए हुए हैं बोल रहे हैं, वो आया नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग किए हुए थे तो आया नहीं, कभी कब कब ये रिसीव कर लेना मेरे को पता भी नहीं है, ये तो मेरे को पता होता पहले से। तो ये एक वाइट कलर का टॉप, तो ये है एक। और एक था येलो कलर का, ये है। और एक टॉप है, ये भी एक टॉप है, तो ये है मरून कलर का एक टॉप है फ्रेंड्स। ये है एक येलो कलर का टॉप, ये भी एक टॉप है, सब टॉप्स ही हैं फ्रेंड्स। पैंट्स एक भी नहीं आया है और पैंट्स भी बहुत जल्द आ जाएगा, वैसा बोल रहे थे वो आ जाएगा जल्दी, नहीं आ पाया रे बोल के मुझे बोल रहे थे। अगर पैंट आ गया ना फ्रेंड्स तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और सबका मतलब जो पैंट उसमें सूट करेगा सारा पैंट सब मंगाए हुए हैं, वो मेरा जितना भी ड्रेसेस होता है ना फ्रेंड्स वही मंगाते हैं। और फिर मैं जब मंगाऊँ ना, मैं अगर ऑनलाइन मंगाऊँ तो ना वो मतलब अच्छा नहीं है बोल देते हैं, इसलिए मेरा वाला जितना भी कपड़ा होता है ना वही मंगाते हैं। तो इतना टॉप्स है फ्रेंड्स और ये वाला ड्रेस भी सीखो और पेंट्स मंगाए हुए हैं और आ जाएगा तो मैं आप लोगों को श्योर दिखाऊँगी। और इसके साथ फ्रेंड्स और एक प्यारा चीज़ है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स मेरे लिए सूल लिख के आई है, मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, कितना बोलो बताओ। एक्चुअली मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और ये बोल रहे हैं कि अभी मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद थोड़ा जिम भी ज्वाइन कर लेना, तो फॉर इसलिए ना वो मेरे सूज लेके आए और ड्रेसेस वगैरह जो भी पहनूंगी उसी में भी मुझे अच्छा लगेगा बोल के लेके आए हैं। तो ये सब मेरे लिए सरप्राइज था फ्रेंड्स, मतलब बोलिए मत, मैं इतना हैप्पी होगी, इतना हैप्पी कि आगो मैं क्या बताऊँ, बहुत हैप्पी होगी। तो थैंक यू हस्बैंड जी, थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ लाने के लिए। और फ्रेंड्स गिफ्ट छोटा भी होना क्यों, मतलब बहुत खुशी मिलती है, छोटा गिफ्ट से ज़्यादा खुशी मिलती है, बड़े गिफ्ट से इतना खुशी नहीं मिलती। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, और आज का मेरा मतलब सावित्री व्रत का ना फास्टिंग किया हुआ, मतलब सफल हो गया, मैं मेरे को इतना चीज़ मिल गया।
और ये साड़ी भी मुझे उन्होंने ही दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका ना पल्लू कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद आया ये भी। ये डिज़ाइन मस्त मत लगा, मैं ये भी नहीं दिखाए थे मुझे, ये आज ही दिखाए कि मतलब पहनूंगी बोल के पहले से दिखा दिया। ये देखिए ये डिज़ाइन हुआ है, ऐसा मस्त सुंदर लग रहा है एकदम। मतलब देखिए मैं आपको ना पल्लू डाल के दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू हस्बैंड जी। देखिए ये मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, सर पे पल्लू डाल के देखिए ये कुछ इस तरह लगेगा। तो आज की वीडियो में ना इसलिए मैं आपको बोला था कि सरप्राइज़ है कुछ बोल के, तो यही मेरा सरप्राइज़ था और आप लोगों का भी। तो कैसा लगा मुझे सरप्राइज़ मेरा और आपका, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा मुझे वो भी बताना, और ये कपड़े भी कैसे लगे मुझे वो भी बताना, और फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे श्योर बताना। आप लोग तो बता बोल नहीं रहे हो मैं कैसा क्या कर रही हूँ वीडियोस में, और वीडियोस देख रही हो कि नहीं फ्रेंड्स। आप लोग सब्सक्राइब करके बिल्कुल वीडियोस को मतलब देख नहीं रहे हो, देखो प्लीज़ मेरा वीडियो बनाना बेकार जाएगा नहीं तो। तो आज का वीडियो ना फ्रेंड्स इतना ही है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करके कुछ हटके करके। तो जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो ना, तो मेरा इंस्टा और फेसबुक का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है, तो अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो ना मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपका रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी और आपसे ज़रूर बातें करूँगी। मैं सबसे बातें करती हूँ, हालांकि जितने लोग मेरे साथ बातें किए हैं मैं सबसे बातें करती हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और टाटा बाय, थैंक यू एंड जोहार।